कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बदलते दिन के साथ बदलते रहे। कोरोना की दूसरी लहर में शहर भर में इस बात की खासी चर्चा रही कि आखिर पिछली बार जहां सनेहत और ब्रह्मसरोवर के किनारे घूमने और रहने वाले साधु संतों को धर्मशालाओं और आश्रमों में शिफ्ट किया गया था, जिसके चलते वे कोरोना संक्रमण से बचे रहे, परंतु इस दूसरी लहर में वे फिलहाल अब भी सरोवरों के आसपास भंडारों और भिक्षा के सहारे अपना गुजारा कर वहीं कहीं रह रहे हैं। ऐसे में भला वे कोरोना से कैसे बचे रहे होंगे। परंतु ताज्जुब की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से इन साधु संतों के कोरोना के सैंपल लिए गए तो इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कल जहां स्वास्थ्य विभाग ने ब्रह्म सरोवर पर 82 साधु संतों के कोरोना सैंपल लिए, इन सभी साधु संतों के कोरोना सैंपल नेगेटिव आए हैं। इसी कड़ी में आज भी ब्रह्म सरोवर के दूसरे छोर पर साधु संतों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि पवन सैनी की मौजूदगी में करीब 70 साधु संतों के सैंपल आज भी लिए जा चुके हैं। ऐसे में यूं कहा जा सकता है कि इन साधु संतों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये कोरोना संक्रमण से खुद को बचाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहां बता दें कि जिला भर में अलग अलग स्थानों पर लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं विधायक के प्रयासों से इन साधु संतों के सैंपल लिए गए। विधायक ने कहा कि ब्रह्म सरोवर के आसपास कुछ दिन पहले निरीक्षण के दौरान साधु संतों को देखने और बातचीत करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना सैंपल और फिर वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्रह्म सरोवर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी साधु संतों के कोरोना सैंपल और फिर वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 82 साधु संतों के सैंपल लिए गए हैं, जो सभी नेगेटिव आए हैं। आज शनिवार को भी ब्रह्म सरोवर पर सैंपलिंग का कार्य जारी है। आज लगभग अब तक 60 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, तो अभी तक सभी के नेगेटिव आए हैं। हाँ, कल भी संत महात्मा के 82 टेस्ट किए गए थे, तो वो 82 के 82 वो नेगेटिव आए थे। तो मतलब इनको किस तरह से अपने आप को समझाना पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा एक बार बताना पड़ता है, थोड़ा कोविड का डर तो रहता है इनको, पर एक बार जैसे थोड़ा समझाया जाता है तो आसानी से करा लेते हैं सभी। किसी प्रकार की कोई समस्या भी समस्या है? साधु महात्मा की सबसे बड़ी समस्या है, कहीं के पास आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो समस्या तो आती है, पर फिर भी हम सभी के टेस्ट करा रहे हैं। चेस्ट पे टेस्ट हैंडल करते हैं, फिर बस उसका वो कर लेते हैं। जैसे कोई एक महात्मा का है नंबर है, ये वो जानते हैं, तो उसके हिसाब से सभी का टेस्ट करा देते हैं। किसी को भी ऐसा सूता नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उस पर आधार कार्ड है या नहीं है। ये कोरोना महामारी चल रही है, इसका थोड़ा सभी को भय आया था, इसलिए हमने भी अपना भय मिटाने के लिए कोरोना का टेस्ट कराया। रिपोर्ट आ गई आपकी? हाँ जी। क्या बताया रिपोर्ट में? अभी तो हमने तो पूछा नहीं, पर रिपोर्ट दे दी, नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई है? हाँ जी। तो मतलब आपका भय मिट गया? हाँ जी। तो क्या कहते हैं, सभी को करवाना? हाँ, सभी को कराना चाहिए जी, कोरोना भक्का भय मिटाने के लिए। तो क्या रिपोर्ट आई है आपकी? अभी तो बोले नहीं आए, हमारा तो हो गया, बोला नहीं है। नहीं है ना? हाँ। तो अब आपका वहम मिट गया है? हाँ, ये कोरोना के लिए कराया जी, कभी दिक्कत ना हो। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट आई है? अब ठीक आई है। ठीक आई है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को ये कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।